भुवनेश्वर से नामा निगार रिजवाना अख्तर मौजूद हैं। जी रिजवाना, क्या ताजा सूरत हाल है वहां की और राहत और बचाव के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? साइमा, जैसे आप जानते हैं कि करीब 40 लाख लोग इस 12 डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के बाढ़ से पीड़ित हैं और अभी की जो ताला सिचुएशन है कि स्तर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब रोड से अगर रोड को कम्युनिकेशन बना बरकरार कर दिया जाता है तो रिलीफ और रेस्क्यू टीम वहां पहुंच सकती है। अभी भी तीन जिला जो है गंजाम, बालासोर और मयूरभंज, ये अभी भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। यहाँ काफी गांव अभी भी कट ऑफ है और बहुत मुश्किल होती है वहां पे उन लोगों को रेस्क्यू टीम्स को पहुंचने के लिए। आज जो है उड़ीसा में 12 मेंबर सेंट्रल टीम पहुंच रही है, ये तीन चार जगह वो गांव डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और देखेंगे कि रिलीफ कैसे दिया जा रहा है, लोगों की हालत क्या है और कितने दूर की कितनी ज्यादा।